चलिए अब आपको सीधा लेकर चलते हैं ग्राउंड जीरो पर, जहां कल हेलीकॉप्टर हादसा हुआ जिसमें जनरल बिपिन रावत की मौत हो गई। इस वक्त वहां एयर चीफ पहुंचे हैं। ग्राउंड जीरो से ये तस्वीरें आपके सामने। वायुसेना प्रमुख इस वक्त वहां पहुंचे हैं तमिलनाडु के कुन्नूर में, जहां ये पूरा हादसा हुआ। ग्राउंड जीरो पर है इस वक्त, वहां तहकीकात चल रही है। हादसा कैसे हुआ, किस वजह से हुआ, वहां से सीधी तस्वीरें आपके सामने। वायुसेना प्रमुख वीआर चौधरी कुन्नूर पहुंचे हैं। हेलीकॉप्टर क्रैश वाली जगह पर इस वक्त एयर चीफ मौजूद है, जायजा ले रहे हैं कल ये पूरा हादसा कैसे हुआ जिसमें जनरल बिपिन रावत की मौत हो गई, साथ ही 13 अन्य सदस्य जिनकी मौत हुई है, उस जगह का जायजा इस वक्त ले रहे हैं एयर चीफ। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं ग्राउंड जीरो से कुन्नूर से, जहां पर MI-17 हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ जिसमें CDS जनरल विपिन रावत की जान चली गई। और वहां पर इस वक्त वायुसेना प्रमुख VR चौधरी पहुंचे हुए हैं। पूरी टीम लगातार वहां पर पहले से ही छानबीन कर रही है, ब्लैक बॉक्स को भी ढूंढा जा रहा है, पूरे इलाके को एक तरीके से खंगाला जा रहा है। और वहां पर जायजा लेने के लिए क्या कुछ अभी तक जांच कहां तक पहुंची है, पूरी जानकारी लेने के लिए खुद वायुसेना प्रमुख VR चौधरी वहां पर पहुंचे हुए हैं। उनके साथ तमाम अधिकारी भी मौजूद हैं, उनको एक एक चीज की जानकारी वहां पर दी जा रही है, सब कुछ बताया जा रहा है। अभी तक चश्मदीदों की तरफ से जो कुछ बताया गया, क्रैश साइट पर क्या कुछ कैसे मिला, इन तमाम चीजों को जोड़कर उनको पूरी जानकारी दी जा रही है। और कल ही रवाना हो गए थे वायुसेना प्रमुख सुलूर के लिए, सुलूर एयरबेस के लिए, और अभी पहुंचे हैं वो क्रैश साइट पर, ग्राउंड जीरो पर, जो कि वेलिंगटन से करीब 10 से 12 किलोमीटर की दूरी पर मौजूद है नीलगिरी रेंजेस में। और वहां पर आप तस्वीरें, हम आपको वहां से सीधी तस्वीरें हमारे सहयोगी प्रसन्ना आप तक पहुंचा रहे हैं, हम आपको दिखा रहे हैं ये तस्वीरें। खुद वायुसेना प्रमुख VR चौधरी वहां पर पहुंचे हुए हैं, एक एक चीज की जानकारी ले रहे हैं कि आखिर यह हादसा हुआ कैसे, क्रैश साइट पर हेलीकॉप्टर का जो मलबा था वो कहाँ कहाँ पर मिला, इसके अलावा क्या कुछ और चीजें मिली हैं, और दुर्घटना को लेकर क्या और बेहतर जानकारी हो सकती है, इसको समझने की कोशिश भी वहां पर एयर चीफ और उनके साथ मौजूद तमाम अधिकारी कर रहे हैं। क्योंकि लगातार कल से ही इस दुर्घटना के बाद जैसे ही टीमें पहुंची थी, पूरी छानबीन शुरू कर दी गई थी। सबसे पहले लोगों का रेस्क्यू किया गया, जल्द से जल्द उनको अस्पताल पहुंचाने की कोशिश की गई, और उसके बाद से ही उस पूरे इलाके के एक एक इंच को खंगालने तलाशने का काम शुरू हो गया था, ताकि दुर्घटना से जुड़ी पूरी जानकारी मिल पाए। हेलीकॉप्टर लैंडिंग के ठीक 5 मिनट पहले क्रैश कैसे हुआ, क्या उड़ान से पहले हेलीकॉप्टर की पूरी जांच की गई थी, अगर जांच हुई तो तकनीकी खराबी पकड़ में क्यों नहीं आई, हादसा तकनीकी खराबी की वजह से हुआ या खराब मौसम के कारण, क्या मौसम अचानक खराब हुआ, पहले से मौसम की जानकारी नहीं थी, सवाल ये भी कि हेलीकॉप्टर में आग कैसे लगी। तो हेलीकॉप्टर हादसे में देश के पहले CDS जनरल बिपिन रावत के निधन पर पूरे देश में इस वक्त शोक की लहर है। जनरल रावत और उनकी पत्नी समेत इस हादसे में मारे गए सभी 13 लोगों का पार्थिव शरीर आज शाम दिल्ली लाया जा रहा है, लेकिन उससे पहले तमिलनाडु के वेलिंगटन में इस वक्त हलचल नजर आ रही है। तस्वीरें भी लगातार आपको हम दिखा रहे हैं। वेलिंगटन बेस हॉस्पिटल में इस वक्त सभी के पार्थिव शरीर रखे गए हैं। एबीपी न्यूज रिपोर्टर उस वक्त उसी हॉस्पिटल में मौजूद हैं। इसके अलावा जिस जगह पर यह हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ वहां भी एबीपी न्यूज संवाददाता प्रसन्ना मौजूद हैं। इसके अलावा इस बड़ी खबर पर हमारे साथ कई और रिपोर्टर भी जुड़ेंगे, लेकिन सबसे पहले हम आपको कुन्नूर में ग्राउंड जीरो से वो एक्सक्लूसिव रिपोर्ट दिखाने जा रहे हैं जहाँ कल ये हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ था। हम लोग इस वक्त ग्राउंड जीरो पे मौजूद है, आप लोगों को तस्वीर दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये वही जगह है जहाँ पे हेलीकॉप्टर MI-17 गिरा हुआ है, तो आप देख सकते हैं ये यहाँ पे ऑफिसर्स लोग मौजूद है, यहाँ पे ब्लैक बॉक्स की तहकीकात करने की कोशिश कर रहे हैं और जानकारी लेने की कोशिश कर रहे हैं कि हादसे का क्या वजह हो सकता है करके। तो यही जगह था जहाँ पे ये हादसा हुआ है, आप देख सकते हैं कि ऑफिसर्स मौजूद है, यहाँ पे छानबीन कर रहे हैं कि क्या हो सकता है इस हादसे के पीछे, क्या वजह हो सकता है कि इस जगह पे आके हेलीकॉप्टर गिरा है करके। आप देख सकते हैं ये बड़ा टेरेन है एक्चुअली, तो ये नीलगिरिस इलाका है एक्चुअली, बहुत ही कठिन रास्ता है एक्चुअली, ये टेरेन पूरा पहाड़ी इलाका है, पहाड़ी इलाके होते हैं ये टेरेन आता है, तो जब
वहाँ से उड़ान भरे थे तो इसी पहाड़ी से गुजर के यहाँ से 10 किलोमीटर दूरी पे ही था एक्चुअली वो बिपिन रावत जहाँ पे मौके पे पहुँचने वाले थे, मगर ये हादसा अचानक हो गया। आप लोग देख सकते हैं यही जगह है तो जहाँ पे मलबा पड़ा हुआ है, जहाँ पे ऑफिसर्स ब्लैक स्पॉक ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं और जान पड़ताल कोशिश कर रहे हैं कि ये हादसा कैसा हुआ। देखिए सर, ग्राउंड जीरो से पूरी जानकारी देने के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी प्रसन्ना जुड़े हुए हैं जो कि कन्नूर में मौजूद हैं ग्राउंड जीरो पर ही। मनोज प्रभाकर हमारे साथी वेलिंगटन मिलिट्री अस्पताल से जुड़े हैं, उनके पास भी चलेंगे। और रविकांत हमारे सहयोगी सीडीएस जनरल बिपिन रावत के घर पर मौजूद हैं दिल्ली में, उनके पास भी चलेंगे। लेकिन सबसे पहले प्रसन्ना का रुख करते हैं क्योंकि खुद एयर चीफ पहुंचे हुए हैं सर ग्राउंड जीरो पर जायजा लेने के लिए। प्रसन्ना, क्या कुछ वहां पर हो रहा है? एयर चीफ वहां पर पहुंचे हुए हैं, किस तरीके से उनको जानकारी दी जा रही है, क्या आप देख पा रहे हैं? देखिए ये विजुअल्स आप एक्सक्लूसिव देख सकते हैं कि एयर चीफ मार्शल पहुंचे हैं घटनास्थल पे और यहाँ पे ऑफिसर्स बता रहे हैं कि घटनास्थल का क्या हो सकता है वजह और क्यों इतना टेरेन है यहाँ पे और ये मिस्ट की वजह से गिरा है क्या है करके जान पड़ताल कर रहे हैं और ब्लैक बॉक्स ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं और एयर चीफ को समझा रहे हैं कि क्या हादसे की वजह हो सकता है करके और एयर चीफ मार्शल देख रहे हैं कि यहाँ पे मिस कैसे हादसा हुआ करके सभी ऑफिसर्स से जानकारी ले रहे हैं। तो आप विजुअल्स में देख सकते हैं कि ऑफिसर्स मौजूद है घटनास्थल पे और समझा रहे हैं कि हादसा कैसा हुआ है और क्या वजह हो सकता है और ब्लैक बॉक्स ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं कि और कि लास्ट एटीआर से क्या बातचीत हुआ पायलट का करके सभी विषयों के बारे में बातचीत कर रहे हैं। जी जी प्रसन्ना, आपको मनोज प्रभाकर के पास लेकर चलते हैं जो वेलिंगटन मिलिट्री अस्पताल से इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। मनोज, वहां किस तरह की हलचल है इस वक्त? देखिए अभी हम इस वक्त वेलिंगटन के मिलिट्री हॉस्पिटल में हैं जहां पार्थिव शरीर को रखा गया। 8:30 बजे इनका रीथ लेइंग सेरेमनी होगा, इसमें चीफ ऑफ एयर स्टाफ फिर तमिलनाडु सीएम एमपी स्टालिन, फिर चीफ सेक्रेटरी रेनबो, डीजीपी शैलेंद्र बाबू और सब लोग इधर आ रहे हैं। अन्य ऑफिशियल्स के साथ श्रद्धांजलि देंगे, उसके बाद उनका पार्थिव शरीर को सुलूर एयरबेस को ले जाएंगे और वहां से दिल्ली से भेजेगा, ये अभी उनका प्लान है। इधर सब तैयार अभी हो रहा है, वी आर वेटिंग फॉर दी कंफर्मेशन फ्रॉम आर्मी ऑफिशियल्स आल्सो। अभी तक कुछ नहीं शुरू होगा, फिर अगर मिलिट्री ऑफिशियल्स तमिलनाडु पुलिस और सब इधर जहां आएगा, अभी तमिलनाडु पुलिस का कंट्रोल भी वेलिंगटन में हो गया। ठीक है, आप रहिए हमारे साथ, फिर से आप आपके पास आएंगे। अभी अब रविकांत का रुख कर लेते हैं क्योंकि रविकांत इस वक्त बिपिन रावत के घर के बाहर से हमारे साथ मौजूद है। रविकांत, आपको क्या इन्फॉर्मेशन मिल रही है, कब तक बिपिन रावत और उनकी पत्नी का पार्थिव शरीर यहां पर पहुंचेगा, कौन कौन अभी वहां पहुंचा हुआ है, इससे जुड़ी कोई और इन्फॉर्मेशन? शिरीन, देखिए आज शाम तक पार्थिव शरीर यहाँ पर पहुँचेंगे और कल उनका अंतिम संस्कार होगा यहाँ पर, उनको उनके घर पर रखा जाएगा। बिपिन रावत के दिल्ली के कामराज मार्ग पर उनका ये घर है जहाँ इस समय मौजूद हैं और यहाँ पर प्रधानमंत्री की आने की भी संभावना है। जब उनका पार्थिव शरीर आ जाएगा उसके बाद ये माना जा रहा है कि प्रधानमंत्री भी उनके घर आएंगे अंतिम दर्शन के लिए और बाकी लोगों को भी अंतिम दर्शन का मौका दिया जाएगा उनके घर पर। उसके बाद कल यहाँ इनका जो पार्थिव शरीर है वो जो डिफेंस का इलाका है वहाँ पर लेके जाया जाएगा और जो कैंट एरिया है वहाँ पर रखा जाएगा और अंतिम संस्कार कल किसी समय किया जाएगा। जी रविकांत, आप रहे हैं हमारे साथ, एक बार फिर से आपको ग्राउंड जीरो पर लेकर चलते हैं जहां पर हमारे सहयोगी प्रसन्ना मौजूद हैं और खुद एयर चीफ वीआर चौधरी वहां पर पहुंचे हुए हैं और एक एक चीज की जानकारी वो ले रहे हैं। प्रसन्ना, तस्वीरें एक बार फिर से दिखाइए और बड़ी महत्वपूर्ण तस्वीरें इसलिए हो जाती है अपने दर्शकों को हम बता दें क्योंकि वायुसेना ने कल ही जांच के आदेश दे दिए थे पूरे हादसे की और अब खुद वायुसेना के चीफ वहां पर पहुंचे हुए हैं पूरी जानकारी लेने के लिए। प्रसन्ना, और भी कुछ टीमें वहां पर पहुंची हैं इस जांच को आगे बढ़ाने के लिए, तमाम चीजों को समझने के लिए कि आखिर ये पूरी दुर्घटना हुई कैसे?
हाँ यहाँ पे बहुत सारे ऑफिसर्स मौजूद हैं। एक्चुअली यहाँ पे देख सकते हैं आप, यहाँ पे एयर चीफ भी मौजूद है और उनको समझा रहे हैं कि क्या क्या हादसे की वजह हो सकता है और उन लोगों को बता रहे हैं कि क्यों इतना देरी हुआ, यहाँ पे 30 फीट का आग कैसे लगी और क्यों ये सभी हादसा अचानक हो गया, कि मिस्ट की वजह से हुआ, क्या हुआ करके पूछताछ कर रहे हैं। आप देख सकते हैं विजुअल्स में कि ये पहाड़ी इलाका है, मिस्ट अभी भी मौजूद है सुबह के वक्त है और यहाँ पे पहाड़ी इलाका है। देखिए मिस्ट तो बहुत है, तो ये सोलर से होते हैं, यहीं से गुजरा था फ्लाइट, यहाँ पे आके आग लग गई और ऊपर से ये आग लगते हुए यहाँ से हेलीकॉप्टर नीचे गिर गया और यहाँ पे मौके पे अभी एयर चीफ मौजूद है और लोगों से जानकारी ले रहे हैं। प्रसन्ना, अभी वायुसेना चीफ वहीं पर मौजूद हैं? हाँ यहीं पे मौजूद है, आप विजुअल्स में देख सकते हैं, यहाँ पे सेंटर में मौजूद है, ऑफिसर्स के बीच में बातचीत कर रहे हैं, विजुअल्स में देख सकते हैं कि ये चीफ इनसे बातचीत कर रहे हैं। जी प्रसन्ना, आप हमारे साथ लगातार बने रहिए ग्राउंड जीरो से। प्रसन्ना हर एक तस्वीर आप तक पहुंचा रहे, सीधा पिंकी राजपुरोहित का रुख करेंगे जो बैंगलोर से इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ रही हैं। पिंकी, क्या कुछ और जानकारी निकल कर आ रही है, क्योंकि ब्लैक बॉक्स की तफ्तीश भी लगातार हो रही है? बिल्कुल ठीक कहा शिखा आपने, फिलहाल जो सबसे बड़ी प्रायोरिटी इंडियन एयरफोर्स के लिए यही है कि ब्लैक बॉक्स जो है उसका पता लगाया जाए, क्योंकि कॉज ऑफ क्रैश जो है उसका मेन रीजन कहीं ना कहीं ब्लैक बॉक्स से जो है इसका क्लू मिल पाएगा। और यही कारण है कि लगातार जो जांच की टीम्स है, सुलू एयरबेस से भी कल हमने देखा था कि ऑफिशियल्स जो है क्रैश साइट पर पहुंचे हुए थे, वेलिंगटन से भी कई ऑफिशियल्स जो है वहां पहुंचे हुए थे, तो ऐसे में प्रायोरिटी फिलहाल यही है कि ब्लैक बॉक्स जो उसका पता लगाया जाए। और इसके अलावा आपको ये भी बता दें कि 8:30 बजे, क्योंकि ये व्रत लेइंग सेरेमनी होगा, उसके बाद जो है पार्थिव शरीर को सुलूर एयरबेस ले जाया जाएगा। और इस बीच इन्वेस्टिगेशन जो है कोर्ट ऑफ इंक्वायरी बिठा दी गई है। आपको यहाँ पर यह भी बता दें कि MI-17 V5 हेलीकॉप्टर जो है वो काफी ज्यादा एडवांस हेलीकॉप्टर है और ऑल वेदर माना जाता है। ऐसे में नीलगिरिस में हमने कई बार देखा है कि सुलूर एयरबेस से जो है वेलिंगटन तक MI-17 हेलीकॉप्टर जो है फेरी करते रहे हैं, तो ऐसे में कहीं ना कहीं सवाल अब यही है कि आखिर क्या कारण था कि इस तरह से जो है ये क्रैश हो गया, खासतौर पर तब जब CDS खुद उसमें मौजूद थे और जब ये हेलीकॉप्टर जो है VVIP को अगर लेके जाते तो काफी ज्यादा प्रिकॉशंस और प्रोटोकॉल्स का जो है पालन किया जाता है, ऐसे में कहां चूक हो गई। इन तमाम सवालों के जवाब जो है वो इसी ब्लैक बॉक्स के मिलने के बाद ही शायद मिल पाएगा। और यही कारण है कि फिलहाल एयरफोर्स के लिए प्रायोरिटी यही है कि किसी तरह से इस ब्लैक बॉक्स को जो है ढूंढा जाए। जी बिल्कुल, प्रायोरिटी यही है ताकि वजह क्या रही आखिर इस हादसे के पीछे इसका खुलासा हो सके। हमारे साथ रहिए आप पिंकी। अब मैं सीधे रुख करूंगी नीरज राजपूत का, रक्षा मंत्रालय से इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए। नीरज, आज निगाह रक्षा मंत्री पर भी होगी क्योंकि संसद में आज वो बयान देंगे इस हादसे से जुड़ा हुआ। बिल्कुल ठीक कहा आपने, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज संसद में बयान देंगे, दोनों ही सदनों में देंगे, राज्यसभा में भी देंगे और लोकसभा में भी देंगे, और पूरी विस्तृत जानकारी देंगे कि किस तरह से ये घटनाक्रम हुआ है, किस तरह से चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जो कि वेलिंगटन जा रहे थे लेक्चर देने के लिए, सेमिनार में हिस्सा लेने के लिए, उनका जो हेलीकॉप्टर था MI-17 V5 हेलीकॉप्टर किस तरह से किन परिस्थितियों में क्रैश हुआ, क्या कारण हो सकता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा पुराना हेलीकॉप्टर नहीं है, वर्ष 2008 में ही इस हेलीकॉप्टर का कॉन्ट्रैक्ट किया गया था, 80 ऐसे हेलीकॉप्टर्स का कॉन्ट्रैक्ट किया गया था रशिया के साथ, बेहद मजबूत इस हेलीकॉप्टर को माना जाता है, लेकिन वर्ष 2013 में भी जब केदारनाथ त्रासदी आई थी तब भी एक MI-17 हेलीकॉप्टर केदारनाथ के पास क्रैश हुआ था, जिसमें 13 जो था ITBP NDRF के जो जवान थे उनकी शहादत हुई थी और साथ ही जो क्रू मेंबर्स थे, लेकिन ये माना जाता है कि ऑल वेदर ये हेलीकॉप्टर है, तो किन कारणों से ये क्रैश हुआ है इसके लिए बारे में भी हो सकता है रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह संसद में बयान देंगे और साथ ही बताएंगे कि किस तरह से जो मॉर्टल रिमेन्स हैं, जो पार्थिव शरीर हैं, वो दिल्ली आएंगे और उसके बाद उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। जी नीरज, आप रहिए हमारे साथ, एक बार फिर से वेलिंगटन का रुख करते हैं जहां पर हमारे सहयोगी प्रभाकर जुड़े हुए हैं हमारे साथ और जहां पर सभी पार्थिव शरीर को रखा गया है, उनके पास सीधा चलते हैं। प्रभाकर, मुझे एक बात बताइए, कब वहां पर श्रद्धांजलि के बाद तमाम पार्थिव शरीर जो है उनको रवाना किया जाएगा? पहले तो जिस तरह से आपने कहा था सुलूर लाया जाएगा और सुलूर से फिर दिल्ली पहुंचाया जाएगा, कौन कौन से लोग पहुंचेंगे और अभी कितना वक्त और लगना है वहां पर? हम
हमारे पास ये इन्फॉर्मेशन है, वो 10 बजे इधर से सुलूर एयरबेस पहुंच जाएगी। उसके बाद उनका शरीर उनका घर का सीधा पहुंच जाएगी। तमिलनाडु गवर्नमेंट वो अभी उसका प्रिपरेशन अभी तैयार कर रहे हैं अलॉन्ग विथ एयरफोर्स ऑफिशियल्स के साथ। हम अभी इधर वायुसेना का चीफ चौधरी साहब वो ही अभी इधर पहुंच गया। वो अभी सब प्रिपरेशन वो अभी मॉनिटर कर रहा है। इसके पहले तमिलनाडु गवर्नमेंट अगर इधर वेलिंगटन मिलिट्री कॉलेज ऑफिशियल वो दोनों साथ अभी मिलिट्री व्हीकल्स अदर फ्लावर्स एंड अदर थिंग्स दे आर गेटिंग रेडी। वी आर एक्सपेक्टिंग दैट बाय 10 o'clock इन द मॉर्निंग दे विल टेक ऑल बॉडीज फ्रॉम हियर टू सुलूर एयरबेस। मीनवाइल दूसरा एक एयरफोर्स ऑफिशियल है वरुण सिंह वो अभी हॉस्पिटल में हूँ। उनका हेल्थ थोड़ा रिकवर आ रही है। हमारे पास एक इन्फॉर्मेशन है दैट ही इंजर्ड 80%, सो डॉक्टर्स आर ट्रीटिंग हिम। दैट इज द अपडेट वी हैव। एंड आफ्टर दैट दैट इज आई मीन तमिलनाडु गवर्नर ही इज इन दिल्ली सो ही कुडंट कम, बट वी आर एक्सपेक्टिंग सम अदर ऑफिशियल्स फ्रॉम दी सेंट्रल गवर्नमेंट टू वेलिंगटन मिलिट्री हॉस्पिटल। दे विल रीच बाई 9 o'clock। आफ्टर दैट दे उनका शरीर का अंजलि हो जाएगी। जी प्रभाकर, आप रहिए वहीं पर, लगातार आपके साथ जुड़ेंगे, अपडेट देते रहेंगे। प्रभाकर बहुत अहम जानकारी दे रहे थे। देखिए साथ उन्होंने ये भी बताया कि तमिलनाडु के जो गवर्नर हैं वो भी दिल्ली में हैं, इसलिए वो वहाँ नहीं पहुँच पाएंगे श्रद्धांजलि देने के लिए, लेकिन तमाम लोग मुख्यमंत्री भी पहुँच सकते हैं वहाँ पर, DGP मौजूद रहेंगे, इसके अलावा सेना और वायुसेना के तमाम अधिकारी होंगे। और इस बीच सबसे अहम बात ये कि वरुण सिंह को लेकर कि उनकी तबीयत में थोड़ा सुधार दिखाई दे रहा है, हालाँकि वो 80% बताया जा रहे हैं कि वो प्रभावित हुए हैं इस हादसे में, लेकिन फिर भी सुधार दिख रहा है, ये एक अच्छी खबर है। और पूरा देश प्रार्थना कर रहा है उनकी जल्द से जल्द ठीक होने की। और एक बार रुक कर लेते हैं फिर से हम ग्राउंड जीरो का, जहां पर ये पूरा हादसा हुआ, वहां पर हमारे सहयोगी प्रसन्ना लगातार मौजूद हैं, वायुसेना चीफ वहां पर पहुंचे हुए जायजा लेने के लिए। प्रसन्ना, तस्वीरें दिखाते रहिए और ये भी बताइए कि जो वहां पर चश्मदीद थे उनकी तरफ से कुछ और बताया गया है, कुछ वो बता पाए कि किसी ने देखा हो हेलीकॉप्टर को आते हुए और किस तरह से आग लगी या पहले से आग लगी हुई थी? नहीं, यहाँ पर चश्मदीद लोगों का कहना है कि पहले से ही आग लगी थी। जैसे वो फ्लाइट वहाँ से नीचे आने की कोशिश कर रहा था लैंडिंग की वजह से, तो यहाँ पे बहुत सारा मिस्ट की वजह से वो रास्ता नहीं समझ में आए, तो इसलिए वो लैंड करने की कोशिश कर रहे थे, तभी से आग लग गई। क्योंकि पेड़ यहाँ पे बहुत है, तो इसीलिए यहाँ पे लग के आग नीचे फ्लाइट गिर गया। तो यहाँ पे चश्मदीद लोगों का कहना है कि जैसे यहाँ पे नीचे गिरा बड़ा धमाका हो गया, और धमाके की वजह से यहाँ पे 30 फुट के ऊपर से आग लगी थी। तो वो लोग उस घटना स्थल पे पहुँचे तो 30 फुट का आग लगी थी, और सभी लोग आग को बुझाने की कोशिश किया। आग बुझने के बाद उन लोगों ने नज़दीक जाके यहाँ पे लोगों को बचाने की कोशिश किया। जब वो लोग बचाए, 3 लोगों को बचाए थे, तो बचा के इस उन लोगों को हॉस्पिटल पहुंचाए। जी प्रसन्न, आप लगातार हम तक तस्वीरें पहुंचाते रहिए। एयर चीफ इस वक्त वहाँ ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं और पल पल की तस्वीरें एबीपी न्यूज आपको सबसे पहले दिखा रहे हैं। बहुत शुक्रिया आप सभी का। पल पल की तस्वीरें, हर एक अपडेट आपको मिलेगा एबीपी न्यूज पर। ABP News, आपको रखे आगे।